और बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मेरे खिलाफ मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई, मुझ पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला गया, दिल्ली की आबकारी नीति में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो सीबीआई से पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने यह बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जांच के दौरान, सवाल जवाब के दौरान उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया गया। देखिए, सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज तो सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करे कि हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है, एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है, एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। लेकिन ओवरऑल कल का मुझे बुलाने का मकसद वहां यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।